धनौल्टी सीट कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गई है। सिंबल के लिए बाद उम्मीदवारी वापस लेने के पार्टी के फैसले ने पहले से ही बगावत की आग को और हवा दे दी है। इस सीट पर पार्टी के टिकट पर नामांकन करा चुके मनमोहन मल लेकिन नए नाम वापस लेने से इनकार करते हुए चुनाव में डटे रहने की बात कही है। इससे पहले सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। मल के मुताबिक कांग्रेस उन्हें प्रीतम सिंह पवार को समर्थन देने के लिए मैदान से हटा रही है। फिर धने के खिलाफ टिहरी में प्रत्याशी खड़ा क्यों किया जा रहा है? बल्कि उनका ये भी कहना है कि उनसे पार्टी सिंबल किसी भी सूरत में छीना नहीं जा सकता है। उधर मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को भरोसा है कि मल को मना लिया जाएगा। कुलदीप नेगी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप, बहुत कोशिश की गई है मनमोहन मल को मनाने की लेकिन लग नहीं रहा कि वो मानने के लिए तैयार है। ऐसे में आगे क्या स्थिति रह सकती है? देखिए, बिल्कुल अब इस सीट पर कांग्रेस अब फंस चुकी है क्योंकि पहले स्थिति क्लियर नहीं थी, स्थिति साफ नहीं थी और अब मनमोहन मल अड़ चुके हैं। उनका सीधे तौर से कहना है कि सिंबल पर ही वो चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में कांग्रेस उलझन में कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि एक तरफ प्रीतम पवार के लिए समर्थन की बात हो चुकी है, कांग्रेस उन्हें समर्थित प्रत्याशी के रूप में मैदान में वो उतर चुके हैं और ऑलरेडी कांग्रेस ये बात कह चुकी है। दूसरी तरफ अब मनमोहन मल को मनाने की जो कवायद है वो तो जारी है लेकिन मनमोहन मल किसी भी सूरत में मानने को राजी नहीं है और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है इस सीट पर। और खास तौर से अगर समीकरण की बात करें तो बीजेपी ने भी अपने पूरी जो स्थिति है वो साफ इस सीट पर पहले ही कर चुकी है लेकिन कांग्रेस अब उलझन में फंसी हुई है और कहीं ना कहीं अगर मनमोहन मल नहीं मानते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को भी और साथ ही में अगर जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और पीडीएफ के जो नेता प्रीतम पवार सीट से लड़ रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। जी शुक्रिया कुलदीप ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी जिस स्टिंग के जरिए सीएम हरीश रावत को घेरने में जुटी है, चुनाव आयोग ने उस स्टिंग पर बैन लगा दिया है। बीजेपी अब हरीश रावत के स्टिंग को प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि मामला अभी कोर्ट में है और जांच चल रही है, लिहाजा बीजेपी स्टिंग का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं कर सकती है। दरअसल बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए 20 मिनट का एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी और इस फिल्म में सीएम हरीश रावत पर सामने आए आबकारी वाले स्टिंग को भी शामिल किया गया। स्टिंग के जरिए बीजेपी हरीश रावत को घेरने में जुटी थी। इस शॉर्ट फिल्म को बीजेपी ने बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को दिया था। वहीं चुनाव आयोग के फैसले के बाद बीजेपी नेता विजय बहुगुणा ने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद हरीश रावत के खिलाफ जांच होगी। ये भी बता दें कि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। रावत ने सीबीआई जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दी है जिस पर अब 13 फरवरी को सुनवाई होगी। बसपा दिखाना चाहे या चुनाव आयोग रोक लगाना चाहे हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो मेरा मानना है कि वो तथाकथित स्टिंग मेरा स्टिंग कम है, भाजपा का स्टिंग ज़्यादा है क्योंकि वो स्टिंग ये बताता है, वो रिकॉर्डिंग जो दिखाई जा रही है यदि उसको पूरा दिखाई हो तो वो ये बताता है कि भाजपा ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया, उसमें भाजपा के केंद्रीय नेता सम्मिलित थे और रुपये का लेन देन हुआ। चुनाव का जो भी है वो निर्णय सम्मान करते हैं लेकिन वो तो सब दुनिया देख चुकी है, वो सब दुनिया जान चुकी है और उसका खंडन नहीं किया मुख्यमंत्री ने, उसको स्वीकार किया है मुख्यमंत्री ने कि मैं हाँ में था। तो जब मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुका है, एडमिट हो चुका है और उसके ऊपर नैनीताल हाईकोर्ट में चर्चा चल रही है, मैटर सब जुडिस है, तो जनता जान चुकी है हरीश रावत जी के जो दो चेहरे हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है, जो कार्यशैली है वो जनता देख चुकी है। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, कुर्सी बचाने के लिए ऐसे कई समझौते किए जिससे प्रदेश का हित हुआ है और उत्तराखंड पीछे हो रहा है।
उधर बीजेपी को प्रदेश में अपने एक नाराज नेता को मनाने में कामयाबी मिली है। दरअसल यमकेश्वर के पार्टी की तीन बार से विधायक रहे विजया भरतवाल टिकट काटे जाने से नाराज थी। उन्होंने अपना नामांकन भी कराया था, लेकिन जब आला नेताओं ने उनसे बातचीत की तो वो मान गई और कहा कि उन्हें शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी देने का भरोसा दिया है। विजया भरतवाल जी यहाँ पर उपस्थित है, आप पौड़ी की जिला पंचायत की उपाध्यक्षा रही है, 2002 से लेकर आज तक तीन बार पार्टी का उन्होंने यमकेश्वर से प्रतिनिधित्व किया है, हमारी सक्षम महिला नेता है, यमकेश्वर से वो विधायक रही है, इस बार अपने वो उस पद पर पार्टी ने दूसरा निर्णय करने के बाद उन्होंने खुद का नॉमिनेशन किया था, आज वो स्वयं प्रेरणा से अपने पार्टी के साथ अपनी आइडेंटिटी बता रही है, पार्टी का वो प्रचार करेगी, पूरे प्रदेश में उनका प्रवास होगा, वो पार्टी के साथ है, उनका भी निवेदन मेरे बाद यहाँ पर होगा। भारतीय जनता पार्टी जो कि मेरी पार्टी है, दिल से जो जिसको मैं मानती हूँ पार्टी अपना, और उन्होंने अचानक से मुझे जो है मेरा टिकट काट दिया, जो कि मुझे जानकारी भी नहीं थी कि ऐसा होगा। और उसके बाद जो है मुझे जो मेरे कार्यकर्ताओं की मांग थी, हमारे क्षेत्रवासियों की मांग पर मैंने नामांकन दाखिल किया, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने तमाम क्षेत्रीय जनता से एक उनकी मांग पर मैंने ऐसा किया। लेकिन मैं दिल से, क्योंकि मैं पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और मैं मोदी जी और अमित शाह के विचारों से मैं अपने को महसूस करती हूँ कि इस देश का विकास, इस प्रदेश का विकास मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा, इसलिए जो है मैं नामांकन वापस ले रही हूँ।